सितारा फैमिली गार्डन एंड रेस्टोरेंट। चंद्रपुर का अपने स्वाद और सेवा के लिए जाना माना होटल सितारा, अब परिवार के लिए भी फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट होटल सितारा। वही स्वाद मगर एक नया अंदाज। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए सर्वोत्तम वेज, नॉन वेज, एसी और गार्डन रेस्टोरेंट। इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल डिशेस, पंजाबी और सावजी पैटर्न स्पेशलिस्ट, डिलीशियस डेजर्ट और आइसक्रीम, सह परिवार खाना खाने का एकमात्र ठिकाना। सितारा फैमिली गार्डन रेस्टोरेंट, बापट नगर, नागपुर रोड, चंद्रपुर। कॉन्टैक्ट शिरीष, मोबाइल नंबर 9764871578। मेडिकल कॉलेज के सभी अस्थायी सहायक प्राध्यापकों को सेवा में नियमित करने की मांग को लेकर चंद्रपुर सरकारी मेडिकल कॉलेज के अस्थायी सहायक प्राध्यापकों ने बेमियादी सामूहिक अवकाश आंदोलन शुरू किया है। बुधवार को आंदोलन का दूसरा दिन था। राज्य में 500 तो चंद्रपुर में करीब 1.5 दर्जन प्राध्यापक हैं। अस्थायी प्राध्यापकों को स्थायी करने की मांग को लेकर कई वर्षों से मांग की जा रही है। कई बार ज्ञापन, आंदोलन हुए, सिर्फ सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है, जिससे अस्थायी सहायक प्राध्यापकों ने बेमियादी सामूहिक अवकाश आंदोलन छेड़ दिया था। नमस्कार, हम यहाँ जमा हुए सभी अस्थाई सहायक प्राध्यापक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंद्रपुर के सभी लोग हैं और हम यहाँ पर हमारी एक तो काफ़ी दिनों से जो हमारी मांग है कि हम जो कॉन्ट्रेक्चुअल अस्थाई सहायक प्राध्यापक हैं विविध विभागों में, तो इन लोगों को आश्वासन देकर भी अब तक परमानेंट नहीं किया गया, जबकि हमारी जो सेवाएं हैं कोविड के पहले और दूसरे वे में भी हमने काफ़ी उत्साह से सरकार की मदद करते हुए अच्छी तरह से काम किया है। बाकी भी हमारी काफ़ी सारी अड़चनें हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन हमारे जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है हमारी सेवाओं को नियमित करने का, हमारा सरकार से यही एक अनुरोध है कि हम काफ़ी सालों से, 2-3 सालों से यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर काम कर रहे हैं, लेकिन सब स्थितियों को देखते हुए हमने बार बार हमारे सेवा नियमित करने की जो मांग की है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमको जल्द से जल्द सेवा नियमित करने की, हम महाराष्ट्र के जो आरोग्य मंत्री हैं अमित देशमुख सर और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं माननीय उद्योग ठाकरे सर, उनको हम ये विनती करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। नमस्ते, आम्ही सर्व सहायक प्राध्यापक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय चंद्रपूर 11 तारखेपासून 11 जानेवारीपासून जो मुद्दा संपावर केलेला होता म्हणजे आजच्या तिसऱ्या दिवशी, आणि शासनाचे सांगण्याचे हे कारण आहे की आम्हाला शासन सेवेत सामावून घेण्यासाठी आम्ही हे मुद्दत आंदोलन करलेले आहे। शासनाने वारंवार म्हणजे मागच्या 2 वर्षापासून खोटे आश्वासन देऊन आम्हाला वाऱ्यावरच सोडलेलं आहे। आताच मागच्या डिसेंबरला मंत्री महोदयाने सांगितलं होतं की 8 दिवसात तुम्हाला परमनंट करून टाकू, म्हणजे शासकीय सेवेत सामावून करू, पण अजून काही शासन करावर तशी कुठलीच कारवाई झालेली नाही। वारंवार आम्ही निवेदन देऊन टाकलेलं आहोत आणि आम्ही आंदोलन पण केलेलं आहे, एक दिवस लक्षवेधी आंदोलन पण केलेलं आहे, तरी पण शासन स्तरावर कुठलाच म्हणजे पाऊल उचललं जात नाही। त्यासाठी आम्हाला नाईला जास्त आज 11 तारखेपासून आम्ही बेमुदत, जोपर्यंत शासन कुठले तरी पाऊल उचलणार नाही तोपर्यंत आम्ही हे आंदोलन चालू ठेवण्याचे ठरवलेले आहे। आणि हे आंदोलन चंद्रपूर लेवलवरच नसून पूर्ण ऑल ओव्हर महाराष्ट्रात आहे, प्रत्येक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात आहे। बेमुदत सामूहिक रजा आंदोलन का आज तीसरा दिन है। पूरे महाराष्ट्र में 500 अस्थायी सहायक प्राध्यापक हमारे साथ है। सभी अस्थायी सहायक प्राध्यापकांना स्थायी करा, हात सोईल कोरोना योद्ध्यांसोबत न्याय करा। अस्थायी प्राध्यापकांना नियमित करा, हात होईल कोरोना योद्ध्यांसोबत न्याय करा।